क्या आप भी सऊदी अरब के अल अरबियन कंपनी में जा रहे हो या जाने के बारे में सोच रहे हो तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा सऊदी अरब के अल अरबियन ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब के अल अरबियन ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में। अल अरबियन ट्रांसपोर्ट कंपनी में आपकी बेसिक सैलरी कितनी लगती है, आपको ट्रिप कितना मिलता है और आपके महीने भर की सैलरी कितने तक आ जाती है, और अल अरबियन कंपनी में लाइसेंस कंपनी बना कर देती है या आपको बनाना पड़ता है, और अल अरबियन कंपनी की वैकेंसी आती है तो इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो अगर आप भी सऊदी अरब की अल अरबियन कंपनी में जा रहे हो या जाने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना, यह आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ सऊदी अरब के अल अरबियन ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं गल्फ जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ सऊदी अरब के अल अरबियन ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में। दोस्तों अल अरबियन कंपनी 2009 में बनी थी और इसका हेड ऑफिस जद्दा में है। बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और दोस्तों अल अरबियन ट्रांसपोर्ट कंपनी में अगर कोई नया बंदा आता है तो उसकी बेसिक सैलरी 1450 प्लस ट्रिप लगती है, और महीने भर की सैलरी 3000 से लेकर 3200 तक बन जाती है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप जितना ट्रिप लगाओगे उतनी आपकी सैलरी बन जाएगी। और दोस्तों अल अरबियन ट्रांसपोर्ट कंपनी में अगर कोई नया बंदा आता है तो उसको कंपनी लाइसेंस बना कर देती है। शुरू में आप नए आते हो तो आपका एक दो महीना तो अखामा बनने में लग जाता है। अखामा बनने के बाद आपके लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है, यानी आपको 3-4 महीने में कंपनी लाइसेंस बना कर दे देती है, आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है। और दोस्तों अल अरबियन ट्रांसपोर्ट कंपनी में अगर कोई नया बंदा आता है तो उसका 2 साल का एग्रीमेंट होता है। 2 साल बाद में आपको 3-4 महीने की छुट्टी मिल जाती है, साथ में आपको आने जाने का टिकट मिलता है, साथ में आपको बोनस मिलता है। और दोस्तों अल अरबियन ट्रांसपोर्ट कंपनी में आपको कभी इमरजेंसी काम होता है तो आपको छुट्टी मिल जाती है, लेकिन आपको टिकट अपना लेना पड़ता है। और दोस्तों एक लिहाज से देखा जाए तो सऊदी अरब का अल अरबियन ट्रांसपोर्ट कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है। आपको इन फ्यूचर मौका मिले सऊदी अरब के अल अरबियन ट्रांसपोर्ट कंपनी में आने का तो आप बेफिक्र होकर आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और अल अरबियन ट्रांसपोर्ट कंपनी नए बंदे भी लेती है और रिटर्न बंदे भी लेती है। और दोस्तों लास्ट में आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा कि आप कभी भी विदेश आते हो तो एजेंटों के चक्कर में ना पड़ा करो, डायरेक्ट ऑफिस में जाओ, वहाँ से अप्लाई करो, क्योंकि दोस्तों कभी कभी फ्री वैकेंसी के भी जो गाँव के छोटे एजेंट होते हैं या जो छोटे शहरों के जो छोटे एजेंट होते हैं वो फ्री वैकेंसी के भी हमसे 1-1.5 लाख रुपये ले लेते हैं और हमारे को ऐसी कंपनी में फंसा देते हैं जहाँ पर हमारी हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप कभी भी विदेश आते हो तो डायरेक्ट ऑफिस में जाओ और वहाँ से अप्लाई करो, वहाँ पर आपका कम से कम सर्विस चार्ज लगेगा और आपका जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा और आपको अच्छी कंपनी में भेजा जाएगा। और दोस्तों आप सऊदी की किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, कंपनी का पूरा नाम लिखे ताकि हम आपको जल्द से जल्द जानकारी दे सकें। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सऊदी अरब की अल अरबियन ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।